खालिश दूध अल्लाह ताला की नेमत है लेकिन मौजूदा दौर में इसका मिलना मुश्किल है पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की जानिब से मजाफाती इलाकों से लाहौर आने वाले दूध की सख्त चेकिंग की जाती है जगह जगह नाके लगा कर दूध के नमूने लेकर टेस्टिंग की जाती है मिलावट साबित होने पर दूध तलब कर दिया जाता है दूध के अंदर बहुत ज्यादा वाटर की एडिशन की जा रही है बर्फ की शकल में एड की जा रही है तो वो मौके पर उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू एसओपी हम या तो फाइन इम्पोज करते हैं अगर बहुत ज्यादा मिकदार होती है जो कि कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं तो उस दूध को हम डिस्कार्ड कर देते हैं ग्वालो ने जहाँ पी की टेस्टिंग को तसली बख्श करार दिया वहीं शहर के अंदर जाली दूध की तैयारी का भी इंकशाफ कर दिया मेरे ख्याल से लोहोर में तैयार होता है जो जाली दूध है बड़े बड़े वो कारोबार वाले वो वहीं वहीं पर तैयार करते हैं इधर से नहीं पीछे से नहीं आता सही सैंपल लगाते हैं जिसका दूध सही है वो बच जाता है थोड़ा घा कुछ हो मसला तो जुर्माना कर देते हैं ज्यादा दूध खराब है तो वो ज़ाया कर लेते हैं जैली दूध पाउडर फार्मोलिन और डिटर्जेंट की मिलावट से तैयार किया जाता है 2,000 लीटर गाड़े महलूल से 5,000 लीटर जैली दूध तैयार होता है अवामी हलकों की राय में मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाना वक्त की अहम जरूरत है और इसी तमाम डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं जनवरी से लेकर 10 सितंबर 2023 तक दूध के हवाले से तकरीबन चौरानवे हज़ार से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की गई लेकिन जनवरी 24 से लेकर 10 सितंबर 24 तक हमने तीन लाख उनसठ हज़ार से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की जो कि पिछले साल की नस्बत तकरीबन थ्री टाइम्स ज्यादा हैं दूध जो हमने इन इंस्पेक्शन के दौरान में तमाम पंजाब के इस अजला से चेक किया पिछले साल वो 74 मिलियन लीटर से ज़्यादा था अब वो 260 मिलियन लीटर से ज़्यादा है जो कि पिछले साल की नस्बत तकरीबन 3.5 टाइम्स ज़्यादा है इसी तरीके से जो मिल्क तलफ हम करते हैं जो कि फ़ूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पे बुरा नहीं उतरता उसकी रेशो पिछले साल अगेंस्ट द चेक्ड मिल्क वो आ रही थी वन पॉइंट फोर टू और अब वो जो है वो आर्य पॉइंट फोर नाइन परसेंट जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन तीन गुना कम है साढ़े आठ माह के अरसे में हमने एक सौ चौरानवे ऐसी एफ आई की हैं जो कि सिंथेटिक मिल्क बनाने वाले लोगों के ऊपर थी और उनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं डी जी फूड पंजाब अथॉरिटी जो है उनकी गुफ्तु आपने मुलायजा किया और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इतनी कार्रवाइया की गई लेकिन वो नाकाफी नजर आती है सूरत हाल ग्राउंड इस पर इसका तो क्या सिचुएशन है इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर तारक गौरिफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है तारिक साहब आपके वक्त का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा ये दो टर्म्स हमें वाज करते हैं हमारे नाजरन को भी एक तो हमने सुना था मिलावट शुदा दूध और एक है जाली दूध इनमें फ़र्क क्या है और ये जाली दूध फिर कैसे बनता है जी देखें आपने एक अहम मसले की जानब है। जो है तोज् मफजूल करवाई है और ये अवामी मसला है अमूमन जो देखने में आया है कि हम लोग सिर्फ जो इस्तेमाल करते हैं कि जी दूध जो है वो जाली है या दूध मिलावट शुदा है असल में इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है जाली दूध वो दूध है जो कि के केमिकल के साथ और डिटर्जेंट के साथ और दीगर जो है केमिकल को मिलाकर जो है वो सर्फ वगैरह को भी मिलाकर जो है वो दूध तैयार किया जा सकता है इसको हम कहते हैं जाली दूध और ये इस केमिकल जो इस्तेमाल होता है दो लीटर से पाँच लीटर तक इसका दूध बनाया जा सकता है और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक माफिया है जो कि सरगर्म है उसको उसको लेकर वो आगे चलते हैं और वो ये एक का है गवाले और गवाले और बनाने वाले और केमिकल बनाने वाले ये तीनों मिलकर जो हैं इस दूध को मिलावट वाले दूध को आवाम तक पहुँचाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं मनफी किरदार अदा कर रहे हैं अब हमें देखना ही होगा कि मिलावट वाला दूध क्या होता है मिलावट वाला दूध वो है जिसमें पानी डालकर दूध को की तादाद को या उसकी मकदार को बढ़ाया जाता है इसमें सबसे जो अहम करदार अदा करना है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने करदार अदा करना है कि वो किस तरह अपने आ, अपने जो जराए हैं उनको अपने कहा कि हुत को क्या इकदाम करना चाहिए इस बार पर तो हम जरूर बात करेंगे लेकिन मिलावट वाला दूध तो फिर भी एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं पानी एड हो जाता है ये जो जाली दूध का आप बता रहे हैं कि इसमें सर्फ एड होता है केमिकल्स एड होते हैं वो तो एक जहर है इंसानी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है और बेसिक नीड है आपकी बच्चे की अगर खुराक देखें तो वो 90%, 100 आपकी दूध पे होती है तो बच्चों के साथ भी ये चीज हो रही है सारे इंसानों के साथ ये चीज हो रही है तो आपको नहीं लगता इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए देखिए दूध हर घर की जरूरत है बच्चे हों या बड़े दूध इस्तेमाल करते हैं दूध ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि दीगर मसनवाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है मसलन खीर हो गई केक हो गए मिल्क शेक हो गया मिठाई हो गई और इस तरह की तमाम चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हमें देखना ये होगा कि जो दूध हमारे तक पहुँच रहा है क्या वो हफजान सहूलत हफजान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम तक पहुँच रहा है या कहीं किसी जगह पर उसमें मिलावट की जा रही है जाली दूध पहुँचाया जा रहा है सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि हम ये देखें और इसके अंदर हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथार्टी उनका किरदार जो है सबसे अहम है लेकिन वो किरदार करते हुए अभी नज़र नहीं आते हम देखते हैं सब कुछ हमारे पाकिस्तान में लाहौर में जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन डेढ़ लाख दूध जो है वो हमें चाहिए लेकिन एक लाख लीटर दूध जो है ना वो हमें लाहौर में मैसर है जिसकी वजह से बकाया जो जो ज़रूरत पूरी की जा सकती की जाती है वो जो है बेकरियाँ और दूसरे जो जराए हैं उससे हमें इस डेफिसिट को कम किया जाता है